हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में पढ़ाने जा रही हूँ धुर्त श्रीगाल। आप लोगों के जो संस्कृत में चैप्टर है षष्ठा पाठ है, मीन्स सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोगों के जूम क्लास में भी इसे मैं डिस्कस की थी, धुर्त श्रीगाल। धुर्त का मतलब होता है बेटा दुष्ट। ये जो हमारा कहानी है वह दुष्ट सियार के बारे में है, जो कि वो दुष्ट सियार है और वो क्या करता है, उसमें जो कि सज्जन हिरण है उससे दोस्ती कर लेता है और सोचता है क्यों ना मैं इसे खा जाऊं। लेकिन लास्ट में दुष्ट है और वो अपनी दुष्टता के कारण वो खुद ही मारा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको रीडिंग के साथ साथ आपको इसको मैं अर्थ समझाती हूँ, डिस्क्राइब करती हूँ। तो देखिए क्या है, है कस्मिन चिद बने एक मृगा अवसत। कस्मिन चिद बने मिस होता है किसी वन में एक मृग रहता था। तत्रैव एक श्रृगाल अपि अवसत, और वहाँ पे एक सियार भी रहने के लिए क्या हुआ, आ गया। एकदा श्रृगाल मृगं अवदत, एक दिन क्या हुआ, सियार ने उस मृग से बोला, अहं भवता सह मैत्री वाच्छामि, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। मृग अकथियत तथास्तु, मृग ने कहा ठीक है, तथास्तु मीन्स होता है जो ठीक है, हाँ मान गया वो। इत्थं तो मैत्री प्राप्त हो एक अस्मिन् स्थाने निवस्थ, और जब दोनों मित्र बन गए तो दोनों एक साथ ही एक जगह पे बैठे हुए थे। एकदा श्रृगाल विचारयति, अहं परिवार जने सह अस्य मांसं खादामि, और वो मन ही मन क्या सोच रहा था, सियार जो हम सारे परिवारजन इनके मांस को खाएंगे। किंतु अयं विशाल प्रभुत बलच, लोमड़ी तो छोटी होती है, सियार जो है वो छोटा है, तो वो सोचता है कि हमारा तो कद काठी छोटा है लेकिन ये मृग जो है वो तो बहुत काफ़ी बड़ा है, इसे बल से तो जीता नहीं जाएगा। तो क्या कह रहा है बेटा, अहम एन छलेना हानी, और हम इसके साथ छल से इसे हम पा सकते हैं और इन्हें हम छल से इसे फंसा सकते हैं। सह मृगं कथयति, मित्र अस्य वनस्य समीपे एकं सस्याना हरि छत्रम अस्ति, और वह उस हिरण से बोलता है जो कि मित्र यहाँ के ही पास में ही एक हरी हरी घासों का खेत है, क्षेत्र मिस होता है खेत। तत्र विपुलं भोजनं उपस्थिति वर्तते, विपुलं का मतलब होता है बहुत सारा, और उस खेत में क्या है, बहुत सारा खाने के लिए भोजन है। तस् वचनं श्रुत्वा मृगः अवदत्, अहं हरिदं सस्यं भक्षयितुम् आतुरः अस्मि, और यह बात सुन के मृग बोलता है जो हाँ मैं जो हूँ सो हरी हरी घास खाने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, बहुत ही आतुर हूँ। आसंशय निष्कंटक तत् स्थान, और वो बोले चलिए आप यहाँ पे भय रहित क्या है यहाँ पे बेटा, आसन से निष्कंटकं मिस होता है भाई रहित, और तुम यहाँ से और तुम वहाँ चलो बिना डर के, भाई रहित वहाँ चलो। श्रृगाल अवदत, माँ संकस्व मित्र मई विश्वासं कुरु, और वो सियार बोलता है जो तुम उस पर विश्वास करो और चलो। तौ क्षेत्रं गतो मृगास क्षेत्र स्वामिनी रक्षिते पासे पतितः बधश्च, और वहाँ पे क्या, जब वहाँ पे वो गया तो वहाँ पे जो वहाँ उस खेत का मालिक था वो उस खेत की रक्षा के लिए वहाँ पे क्या किया था, जाल बिछा दिया था, और जैसे ही वो मृग उसमें गया वो जाल में फंस गया। मृगा श्रृगालं अकथयत, मित्र अहं जालबद्ध तिष्ठामि, और वह जो मृग है हिरण है वो सियार से कहते हैं कि दोस्त मैं जाल में फंस गया हूँ, तुम मुझे बचाओ, तुम मेरी रक्षा करो। लेकिन यह सियार तो बहुत दुष्ट है, इसी का बिछाया हुआ जाल था, ये सियार ने ही उस मृग को फंसाया था। तो वो क्या हुआ, अहं जालबद्धं तिष्ठामि रक्षं, श्रृगाल अवदत् अहं परं दुःख मनुभवामि पर किमपि कर्तुं न शक्नोमि, और वो जो सियार है वो बोलता है जो मुझे तो बहुत दुख है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अद्य रविवासर अहं दंते स्नायु निर्मितान पाषाण न
अस्पृक्षामि। वो कहने लगा जो आज क्या है, अद्य मिस होता है, आज रविवार है और मैं अपनी दांतों से इस बने यह जो निर्मित किया हुआ है इसे मैं नहीं, अपने दांतों से आज रविवार के दिन नहीं छूता हूँ, नहीं टच करता हूँ। वो जो सियार बोलता है, जो ये जो चमड़े का बना हुआ है उसे मैं अपनी दांतों से आज के दिन नहीं छूता हूँ, नहीं टच करता हूँ। सह स्वागतम विचारती यदि यह स्व मरिष्यति तदा मम महद भोजनम भविष्यति। और वह मन ही मन अपने आप में सोचता रहता है ये मरेगा तभी तो मेरा भोजन होगा। तदंतरम सह श्रीगाला प्रच्छनो भूत्वा बने स्थितवान। और उसके बाद वह श्रीगाल क्या किया, वो बन के पीछे में जाके छुप के खड़ा हो गया। मृगा चिंतियति अयं श्रीगाला दुष्ट। और वह चिंता में मृग जो था वह चिंता में था और वो सोच रहा था जो ये दुष्ट श्रीयार ने मुझे फंसा दिया। अयं मम ममोपकारं नेच्छति ततच्छनमेव तस्य चीर मित्रं वायसा तत्रागत वृक्ष शाखायां उपविशति। और उसी समय क्या हुआ, चीर मित्र नाम का वहाँ पे एक कौवा आ गया जो कि उसी पेड़ के डाल पे बैठा हुआ था। मृगम पृच्छति च मित्र। और वह मृग से पूछ, वह कौवा जो है वह मृग से पूछता है कि हे मित्र एतं किं संजातम्, तुम्हें यह क्या हुआ। मृगा कथयति दुष्ट श्रीगाला मामात्र क्षेत्रे आनीतवान। वह जो दुष्ट सियार है वह मुझे यहाँ पे ले आया है और यहाँ पे जाल बिछाया हुआ था और मैं उस जाल में फंस गया हूँ। बायसा बदती अहं ते पालनोपायं कथयामि। वह कौवा जो है वो बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ। तैं भूमो सायित्वा मृतमीव आत्मन दर्शय। और वह कौवा उस मृग से वो कहता है जो तुम ऐसे लेट जाओ, ऐसे सो जाओ जो लगे जो कि तुम मरे हुए हो। यावत कृष्का पाषाण संघातान करिष्यति तावत अहं कौं कौं सावधान करोमि त्वं च उत्पलुत धाव। और वह कहता है जब वह किसान तुम्हारा जाल हटा लेगा वो तो समझेगा तुम मरे हुए हो, तो जब वह जाल उठाएगा तो मैं कौं कौं करूँगा और तुम तेजी से भाग जाना। उसके बाद क्या है, मृगा यथोक्तम करोति। और मृग जो है वो हिरण जो है वो जैसे जैसे कौवा बोलता है वो ऐसा ही करता है। कृषक लघुडम प्रक्षिपति। और कृषक जो है वो क्या करता है, डंडा फेंकता है। तस्य लघुडेन श्रीगाला मृतश्च भवति। और उस डंडे के लगने से वो जो छुपा हुआ था सियार, वो सियार को वो डंडा लगा और वो सियार मर गया। वायसा कथयति ये वंचका पराण वंचयतु यच्छन्ति तेसा दुष्कृतियं तेभ्य फलन्ति। तो फिर वह कौवा बोलता है जो तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि वो सियार तो चला था मृग को मारने के लिए लेकिन वो खुद मारा गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो चलिए, आप लोगों को जून क्लास में भी मैं इसका डिस्कस की थी आधी का, और आज मैं वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दी हूँ। आप लोगों को जो डाउट होगा वो जब जून क्लास लूँगी तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखिएगा, इसका रीडिंग कीजिएगा और शब्द मैं आपको क्लास में, अब पहले आप लोगों से इसका पूरा अर्थ पूछूंगी। ओके, थैंक यू।